बातें बतलाओ कि तुम ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गए। अरे मैंने तो अपनी पत्नी के हिरासत में समझो या अपनी पत्नी की देखरेख में समझो मैं तुम्हें छोड़ कर गया था, तुम्हें और बहन को। आपके परदेश जाने के बाद क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद हो गया भैया। क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ भैया? आपके परदेश जाने के बाद भाभी को पता नहीं क्या हो गया, मुझे और किरण को मारने लगी। क्या? हाँ भैया, एक दिन की बात है, भाभी ने किरण बहन को चौधरी यशवंत के हाथों बेच दिया था भैया। और चौधरी किरण बहन को घसीटते हुए अपनी हवेली पर लेकर जाना चाहता था। किरण बहन चिल्ला रही थी, मैं वहां पहुंच करके किरण बहन को बचा लिया। बहुत अच्छा किया मेरे भाई, फिर क्या हुआ? इसी बात को लेकर मैं भाभी के पास गया, और जब मैं भाभी के पास गया तो मैंने देखा। क्या देखा? भाभी जो है सुल्तान सिंह के साथ एक ही बिस्तर पर, एक ही बिस्तर पर लेटी हुई। तूने क्या सुनाया मेरे भाई? फिर भाभी कमीनी किए मजाल वो सुल्तान सिंह के साथ एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। हाँ भैया, फिर क्या हुआ? फिर आपने क्या किया मेरे भाई, क्या किया आपने? मैं वहां पहुंचा तो भाभी ने सुल्तान सिंह के साथ मिलकर मुझे बहुत मारा भैया। उसके बाद भाभी ने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। तो ये जो तेरी आंखें उस साठ से ठीक हुई, ये कमीनी शोभावती के द्वारा फोड़वाई गई थी और फोड़ी गई थी किरण को और मुझे घर से निकाल दिया। हम दोनों जंगल में भटक रहे थे, मुझे भूख लगी, किरण बहन मेरे लिए खाना लाने गई लेकिन आज तक वापस नहीं लौटी। क्या? और मैं भी उसे बहुत ढूंढा, बहुत क्या मेरे भाई? नहीं भैया। अरे मेरी बहन किरण को कहाँ छोड़ दिया तुमने? कहाँ गई मेरी बहन किरण? मेरे जुगर का टुकड़ा वो कहाँ करती थी? किरी मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ, ये सोच करके वो कहाँ गई? आखिर कहाँ गई? दिल में धीरज धरो भैया, दिल में धीरज धरो। जैसे मैं मिल गया, आप मिल गए, अगर भगवान ने चाहा तो मेरी बहन किरण भी मिल जाएगी। हाँ मेरे भाई, देर करना मुनासिब नहीं है, आओ हमारी गैंग है उसके साथ, अब हम तो भाई हैं, अवश्य अपनी बहन को ढूंढेंगे, ऊपर वाला अवश्य मेरी मदद करेगा। ठीक है। वो कमीनी शोभावती जिसने हमारे साथ ऐसा अन्याय किया, घर की लक्ष्मी होते हुए कुलच्छरी का काम किया, दुश्मन का साथ दिया अपने हफिज मिटाने के लिए, मैं उस कमीनी को भी सजा दूंगा। आओ उसे भी ढूंढूंगा और अपनी बहन को। आओ रामचंद्र। क्या बाबू केम छे? मजा मछे ना तमारी तबियत पानी ही। लाओ खुशी लाओ, थोड़ा सोएंगे उसके बाद फिर जो होगा हो जाएगा, आराम करेंगे फिर ला, बसा बसा लो कर लो कर बसा चला। अरे भाई क्यों, क्या बात है? ए चौधरी, क्या आप तो जवानी का मजा नहीं लेगा? अरे न, 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 नहीं भाई, कुछ नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो खुद ही जा रहा हूँ गंगा स्नान करने। नहीं नहीं, ऐसी बात है कि आप जवानी का मजा ले ले तब तो गंगा स्नान करने। नहीं नहीं, 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 मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। राम सिंह, क्या देखते हो?
सट्टा लगा। ठीक संभाल लो। ए ठकुरा तेरी बहन बहनों लगाओ पगले हो गया है क्या? पगले बाप भाई देखो कोई बुला रहा है। नहीं पगले बाप भाई क्या? पगले बाप भाई क्या? पहले बाप? पगले बाप पहले बाप। हाँ तो कितना बड़ा छीना रहा है ताले? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किया। जमींदार रोशन चौधरी अब तेरा खेल खत्म। उठ उठ अब तेरा खेल खत्म। क्या जवानी का मजा नहीं लेगा? चोरी आज हम गाने में डाल। रामचंद्र पागल हो गया है क्या? मैंने तुझे बहुत सुल्तान सिंह, सुल्तान जी बचा। उस कमीने को तो ऐसी मौत की सजा दूंगी, वो कमीने सोचेगा और मेरे साथ चल। चलिए सुन लो। मैं वहां से भाग आया, नहीं तो मुझे मार डालते लोग। मुझे करना क्या है? अब मैं ऐसे भाग से चल जाऊंगा। अभी अभी जा रहा हूं, इसी वक्त मैं जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। चंद्रवा क्या बाबू? अमरनाथ तुम्हारो गाड़मा जेट लचर भी से ना बधारो निकल जाऊते हैं। कवन बाबू सुल्तान सिंह भूत नहीं तुम्हारा बाप। सकल तुम्हारी एकदम भूत ही जैसे लग रही है। बहनो सही है तुम्हारा छुटका? हाँ छुटका बहनो सही छिनरवा किरण जानते हो? कौन किरण? किरण भी जानते हो? कहाँ के किरण? अर्जुन भी जानते हो? ये पूछ रहा है। हाँ, किरण को नहीं।
नहीं जानते, कह रहा मैं कौन किरण जानता हूँ। तुम्हें जानता हूँ। अच्छा जानते, फिर क्यों कह रहा है कौन किरण? अच्छा भूत से बात कर रहा है, तो ठीक है भूत से बात कर ले। और भूत राम सीतापुर के, सीतापुर किरण उनका भाई अर्जुन है, दोनों जानते हो? किसको? किरण और अर्जुन। कौन अर्जुन वा? मारा ना जनता में खिलवार करा थे गर्दा झारता हाँ चार कोड़ा हचक दे भाई पचक जाए सारा हुए। फिर भूत कह रहा मार मार भूत मेरे का कपड़ा बोलना सब आउट पेल दे बताइए भूत राम को हम पर उसको भी भूत है ना हम जैसे असाढ़वा मेघवा सारे मर जाते हैं चारा गुड़वा फैला के ले जाओ से कंदी नाली में फेंक दो। ये गांव वाले परेशानी ना छोड़ के जा हम सब। पहले शेरवानी एक शर्त बा,
सरती बा पहले एक मुँह सारे के मुँह बाज हाँ हम सर जब मुँह लगे मोहर कर लू उससे क्या होगा बताए भैया फायदा ये होगा ये साला ना भूत बनेगा ना पिशाच बनेगा ना राक्षस बनेगा ना भरम बनेगा ठीक है जो करना करो जा याद है का जैसे सारा छतवा का शेर वाली एक काम करो यहाँ नहीं जहाँ इसकी लाश को फेंकना वहीं जो करना हो कर देना ले जाओ इसे राम सिंह बदन सिंह को मालूम हो गया होगा कि शेरवाली इन दोनों का काम तमाम कर दिया हो ओ मेरे पीछा करते हुए यहाँ तो होगा एक काम करो चलो सीधा चप्पल चलते हैं देखो मैंने कहा था ना शेरवाली जो कोई भी चौधरी यशवंत और सुल्तान को मौत के घाट उतारेगा मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैंने कहा था ना तो क्योंकि मैंने अपना बदला चुका ली थी फिकर तो उस भाई की है फिकर तो उस भाई की है अमर की पता नहीं मेरा भाई अमर कहाँ होगा एक बार मिल गया होता है अमर सारी बातें उससे बता देती और कौन? मुझे कोई चिंता नहीं है मेरी मौत हो जाती तो मुझे फिक्र नहीं है किरण मेरी बहन किरण है मैं अमर हूँ अमर हूँ किरण अमर किरण मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी किरण ये सब कैसे हो गया बहन अमर मेरे भाई मुझे माफ कर दे मैंने तुझे माफ कर दिया बहन माफ कर दिया तू मुझे मिल गई मैंने सब माफ कर दिया अरे ये क्या हो गया ये क्या हो गया जिस बहन को खोजते ढूंढते मैं इस कदर इस पेशे में आ गया वो बहन मेरे साथ बार बार मिलती रही हम आमने सामने होकर दोनों उस जसवंत और सुल्तान को मारने की कसमें खाते रहे लेकिन ये ना पहचान सके कि ये मेरी बहन है और मैं इसका भाई आज मेरी बहन मिली भी तो मैंने इसके पैर में गोली चला दिया ये तो ऊपर वाले का भला मनाओ कि वो गोली मैं इसे जानने के लिए पैर में चलाया किसे मालूम कि मैंने इसे मारा है वरना तो मैं अपनी भोली बहन से भी हाथ धो डालता किरण बहन कहिए भैया ये देख रही हो बड़े भैया अर्जुन हैं क्या ये सामने खड़े हैं बड़े भैया अर्जुन हाँ बहन किरण तेरा भाई अर्जुन तेरा भाई अर्जुन तेरा भाई अर्जुन तू आज मुझे मिल गई मुझे सारे जमाने की खुशियां मिल गई बहन तुम्हें कुछ भी नहीं होगा भैया हाँ भैया को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो नहीं हाँ, हाँ, नहीं नहीं अब मुझे जीने की कोई उम्मीद नहीं है भाई नहीं मुझे नहीं बहन जब तक तेरे दोनों भाई अमर और अर्जुन इस दुनिया में जिंदा है उसकी बहन को कुछ भी नहीं हो सकता साथियों लेकर चलो मेरी बहन को मैं भी आ रहा हूं साथियों तालियां देखो कुदरत का करिश्मा क्या है मेरा भाई मिला और मेरी बहन मिली और अगर कोई बाकी है तो बस वो है कमीनी शोभावती और शोभावती को हम ढूंढेंगे और उसने जिस तरह हमारे साथ हमारे भाई के साथ हमारे बहन के साथ
हमारे पूरे परिवार के साथ अपना होते हुए गैर का रिश्ता निभाया, अपना होते हुए इस तरह से अत्याचार किया, मैं उसे उसके करने की सजा उसे ढूंढ कर देना चाहता हूं। आओ मेरे साथ, जय मामा। अभी काफी हम लोग ढूंढ चुके लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने बताया क्या कि एक औरत कई रोज से इधर उधर टहल रही है। चलो जरा उसको भी हम देखते हैं, वो अपना कुछ बतला नहीं रही है, बताते हैं कि बहुत बेहाल हालत में। चलो देखते हैं, उसे देखती हुए हमें हमारी मंजिल भी मिल जाएगी, शायद हमारी सौभावती भी मिल जाए। आओ हम इधर चलते हैं, इसी तरफ उसको ढूंढते हैं। आओ जय मां भवानी। मैं अपने परिवार के साथ इतना गलत नहीं की होती तो आज ये मेरा ये मेरी हाल ऐसे नहीं होती। मैंने अपने तेवर की दोनों आंखें फोड़कर घर से बाहर निकाल दी। आज मेरे बदन में कोर फैल गया है, मुझे कोई एक टुकड़ा रोटी भी नहीं देता। और मैं अपनी ननद किरण की इतनी दुर्दशा की पूछो मत, आज वही सब भुगत रही हूं। हे देवी माँ हमारी रक्षा करो, माँ कहा जाऊं कहा जाऊं। मोरी रक्षा करो महारानी, मोरी मैया शारदा रक्षा करो महारानी, मरदानी हमारी शारदा भवानी। कोढ़ियर के काया मैया, कोढ़ियर के
काया हो। बाजन के पुत्र दिहु निर्धन के माया, बाजन के निर्धन के माया मैया, महिमा के हूँ नहीं जानी मोरी मैया, तोरी महिमा के हूँ नहीं जानी वरदानी आवरी सारे दादानी। अबर तुम का हो, अगर आज मेरा देवर अबर होता तो ऐसा दिन मुझे देखने को नसीब नहीं होता। अमर किरण, किरण तुम का हो, किरण कौन हो तुम, कौन हो तुम जो अमर का नाम ले रही हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा अमर से? कौन लगती हो तुम अमर की? कौन हो तुम जो बार 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 अमर का नाम ले रही हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा अमर से? भैया मैं अमर की भाभी हूँ, भाभी मैंने अपने अमर तेवर की दोनों आंखें फोड़ करके घर से बाहर कर दी। हो बेचारा धर्मधर ठोकर खाते हुए पता नहीं कहाँ चला गया। और आज इतना ही नहीं, अपने अमर की दोनों आंखें फोड़ करके इस घर से बाहर कर डाली। और मेरी एक ननद है जिसका नाम किरण था, मैंने अपनी ननद किरण को चौधरी जसवंत के हवाले, चौधरी जसवंत के हवाले कर डाली। पता नहीं हो मेरी ननद किरण को भाभी कई काला छोड़ा होगा कमीना, उसके हवाले कर डाली। केवल 2-3 लाख रुपए में मैं इतना पापिन हूँ कि भैया मैं आपसे क्या बताऊं, उसी की सजा आज मैं भुगत रही हूँ। देखो ए देखो मेरे बदन में कौन फैल गया है, मैं तो आज 10 दिन से भूखी प्यासी मर रही हूँ। कोई मुझे एक टुकड़ा रोटी नहीं देता, कोई मुझे देखना पसंद नहीं करता, कोई मुझे छूना नहीं चाहता। भाभी भाभी मैं हूँ अमर, मेरी तरफ देखो, तुम्हारा देवर तुम्हारा अमर तुम्हारे सामने खड़ा है। भाभी मैं ही अमर हूँ, ये सब कैसे हो गया भाभी तुम्हें, ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे बदन में तो कोर हो गया है भाभी, अमर तुम हो। नहीं मेरे पास बताना अमर, अमर मेरे पास बताना। अरे मैंने तेरे साथ क्या क्या नहीं कर डाली, मैं तो एक पापिन हूँ, मैं तो एक डायन हूँ, मुझे तो ऐसे सड़ सड़ के गल गल के मरने दो। मैं तो इस धरती पर बोझ हूँ, बोझ हूँ। ए तुम्हारा दुख अमर से देखा नहीं जा रहा है भाभी। भाभी तुमने जो मेरे साथ किया था, तुम्हारा दुख देखकर मैं सब कुछ भूल गया हूँ। भाभी मेरे पास आओ भाभी, सब
अमर, अरे तुम्हें जिसे ठोकर मारकर इस कमीनी को सजा देना चाहिए, जिसने तेरी आंखें फोड़ दी, जिसने हमारी उस बहन किरण को इस दुनिया से अलग कर दिया, उसके साथ अत्याचार किया मेरे साथ, तुम उसे मारने के बजाय, सजा देने के बजाय तुम उसे गले लगा रहे हो। याद नहीं तुम्हें वो दिन जब से तुम्हारी आंखें फोड़ दी, अत्याचार किया, हट जाओ, मैं इस कमीनी को दुनिया से मिटाऊंगा। एक, दो, भाभी को माफ कर दीजिए भैया, भाभी ने जो किया था उनके कर्मों का फल भगवान ने दे दिया है भैया, इससे ज्यादा सजा और क्या दोगे भैया, माफ कर दो भाभी को, माफ कर दो भैया। भाभी, अमर मेरे भाई, आज तक तो मैंने तेरी कोई बात टाली नहीं, लेकिन अरे मैंने तुझे जितना अच्छा भाई समझा था, तू तो उससे बढ़कर निकल गया, तू तो पूरा भारत निकल गया, तू तो पूरा लक्ष्मण निकल गया मेरे भाई। अरे इसने तेरे साथ अत्याचार किया और तू आज भी उसे मां समझ रहा है, आज भी मां समझ रहा है, ठीक है मेरे भाई। हुए, मैं अपने सारे जुल्मों को भूल गया हूँ भैया, जो भी किया था भाभी ने मैं उसे भूल चुका हूँ। भाभी वहां क्यों खड़ी हो, ओ देखो सामने बड़े भैया अर्जुन खड़े हैं, जाओ जाकर उनसे माफी मांगो। स्वामी स्वामी मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं अपने किए पे इतना शर्मिंदा हूं, शर्मिंदा होकर क्या करूं, देखो ऊपर वाले ने मुझे मेरे किए की सजा खुद दे दिया, मैं तो खुद सड़ रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप नहीं माफ करेंगे तो मुझे कोई नहीं माफ कर सकता। अमर, आज तूने तो मुझे मजबूर कर दिया मेरे भाई, तेरे कहने के कारण मैं इसे माफ कर दे रहा हूँ। वास्तव में जो जैसी करनी करता है उसका फल तो उसे मिलना ही मिलना होता है। देखो, अरे मैं क्या सजा दूंगा, ऊपर वाले ने तो उसे ऐसी सजा दे दी, ये जिस गली में गुजरी होगी, जिधर गई होगी, लोग इसे देखे होंगे तो अवश्य इसके ऊपर थूके होंगे, लोग घिनाए होंगे, इसे एक टुकड़े रोटी नहीं मिले होंगे, कह रही है ना 10 दिन से भूखी हूँ, तो मैं कौन सजा देने वाला होता हूँ। सबसे बड़ा सजा देने वाला तो ऊपर वाला वो भगवान उपकारी करे, तेरे कहने से मैंने भी जब वो माफ कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ जब तूने माफ कर दिया तो तेरे कहने से मैं भी इसे माफ कर देता हूँ। अरे 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 अमर, मेरा कौन, ये सब तो ठीक हो गया भाभी, ये तो स्वामी भैया हरिचंदन भैया भौजी गोल खत्म हो गया। स्वामी आपने मुझे माफ कर दिया, आप तो मेरे सब कुछ है, आपने मुझे माफ कर दिया, ऊपर वाले ने मुझे माफ कर दिया, मेरा देखो गोल देख लिया ना, देख लिया ना सौभावती, इसीलिए कहा गया है कि पति परमेश्वर होता है, अगर पति सत्य है तो उसकी पत्नी अगर जुल्म करती है, अपने पति के साथ अत्याचार करती है, पाप करती है, उसके आड़ में उसके साथ घात करती है, तो अवश्य उस परमेश्वर का आसन हिल जाता है। लेकिन देख, ये जब पति तेरा माफ कर दिया तुझे, तो ऊपर वाले ने भी सोचा कि जब उसका पति उसे माफ कर सकता है तो मैं कौन सजा देने वाला हूं, इसलिए तेरा कोड समाप्त हो गया। देख लिया ना कितनी शक्ति होती है सतीत्व में, एक इंसान अगर इंसानियत से होता है तो भी उसे सही मंजिल प्राप्त होती है। अमर अमर क्या बताऊं, आज कितनी खुशी मिल रही है, अगर आज मेरी ननद किरण होती
तू कितनी खुश होती तुम दोनों भाइयों को देख करके, अपनी भाभी को देख करके, सब भरा परिवार देख करके। हाँ, उसकी याद मुझे बहुत आ रही है। मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं जुर्में ढाए। स्वभावती इंसान का यही पश्चाताप जो है उसे सारे कुकर्मों से दूर कर देता है। आज तो जिस तरह अपने आप पे पछता रही है, शायद तेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तू जिस किरण के लिए तड़प रही है ना, वो किरण भी मेरे पास है। रामचंद्र, किरण मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसे भी यही सामने लाओ। आज हमारा सारा परिवार एक साथ हो करके अपने सच्चे रास्ते को अख्तियार करे और एक नई दुनिया। अरे नहीं किरण, किरण किरण मुझे माफ, क्यों मुझे नरक में भेज रही हो भाभी? नरक नहीं, सो जाने दो भाभी। तुम ननद नहीं, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। लेकिन स्वामी मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हो? ये लड़की कौन है? इस लड़की के बारे में जानना चाहती हो? इसलिए आकर ए लड़की, इस लड़की के बारे में जानना चाहती हो तो ये लड़की वही कोई कुत्ता कमीना चौधरी यशवंत सिंह था ना, ये उसी की लड़की है बेचारी। एक तो इस बेचारी के पैदा होते इसकी माँ मर गई, और दूसरा इसका पिता चौधरी यशवंत इससे इसकी माँ के मरने के कारण इसे कुलच्छनी समझने लगा। इसके मुंह को देखना नहीं पसंद करता था, और एक दिन पसंद भी किया तो इसे ऐसे गर्त में ले जाकर छोड़ दिया जहां इसकी इज्जत भी चली जाती। लेकिन ये हमारा भाई अंधे रूप में जाकर के इसको उस वक्त बचाया, और बाद में देखो मालिक ने इसकी आंखें ठीक कर दी, और इस लड़की ने मेरे भाई का भरपूर साथ दिया, और मेरे भाई ने इस लड़की का साथ दिया। दोनों एक दूसरे से निहायत प्यार करते हैं। तो देखते क्या, क्यों इन दोनों की शादी करवा दीजिए, और मेरी ननद किरण के लिए कोई लड़का देखे हो कि नहीं? आज तुम्हें याद आ रही हो बातें जो मैं कहा करता था? लेकिन किरण का भाई इतना बुजदिल, इतना नासमझ नहीं, किरण की ये अपनी मंजिल को तलाश रहा था। तुम्हें मालूम होना चाहिए, मेरे साथ रहने वाला, मेरे गैंग के साथ बराबर साथ देने वाला, वो जो मेरा साथी कालिया है ना, बिल्कुल शेर दिल इंसान है, न्याय सीधा है, और हमने उससे सारी बातें कर ली है, वो बिल्कुल तैयार है। अरे किरण, तुझे तो आज मैं सजाऊंगी, तुझे तो दुल्हन मैं बनाऊंगी। वाह भाभी, आपने कह दिया। ये देखो दुल्हन बन गई, ये मेरा कालिया है, और मैं चाहता हूँ कालिया के साथ मेरी बहन की शादी, यानी इसके हाथ बांध दिए जाए, और मेरे भाई के साथ ये जो चांदनी है इसके हाथ बांध दिए जाए। नंदोई तो बहुत अच्छा। अरे 90 साल का है, तुम्हार हुआ ज्यादा उम्र भाई भाई। अरे बेवकूफ, तुम्हें 90 साल दिखाई दे रहे हैं, अभी 22 साल थे। तो बराबर शादी करो। आवा आवा भैया, हाँ तू करवा ले, हम तो देंगे। ठीक बा, पकड़ाओ सबका। आओ इधर भैया, अमर भैया इधर आइए। जाओ भैया करवाओगे? अरे कर देगा शादी, तू लड़की आता है। दाहिने हाथ है, दाहिने हाथ जल्दी करवाओ, तुरंत तुरंत तत्काल। ठीक है जल्दी करो। अरे रुको, अच्छा जी जरा मेहरा रुखा, इतना भैया हम पढ़ा था ही, तुम हाथ मिला दे। अरे संसारी सारम भुजंदहारम करुणावतारम नमो नमः। अरे जब तक रहे गंगा जमुना जलधारा, अचल रहे यही बात तुम्हारा। जी हाँ साथियों, जी हाँ साथियों, तो काफी समय से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, और हमने भी चाहा कि आप लोगों की हार्दिक इच्छा है आप लोग भी जमे रहे, इसलिए देखिए वक्त क्या हुआ। लेकिन ये हमारी संगीत यही समाप्त होती है। हमारे संगीत के कलाकारों से कोई त्रुटियां हुई हो, इंसान है, गलती तो सबसे होती है, जरूर हुई होगी, लेकिन फिर भी अगर गलती नजर आई हो तुझे आप सभी माफ करेंगे। हमारी संगीत
का सारा प्रोग्राम यही समाप्त होता है। अब संगीत का नाम आप सुनेंगे, संगीत का नाम था बदले की आग, बदले की आग, और बहन आंसू और मुस्कान उर्फ डाकू बदन सिंह। यहां आंसू और आंचल उर्फ डाकू बदन सिंह, ये रही हमारी संगीत। तो एक बार बोलिए प्रेम से, शंकर भगवान की ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो तीर दुखी, राह में आए जो तीर दुखी, सबको गले